सभी भाइयों को नमस्कार। आज की वीडियो में हम बताएंगे 500 केजी वजन ट्रॉली उठाने की वीडियो बना रहे हैं, उसमें आपको डेमो दिखाएंगे आगे, तो उसके बारे में बताया जाएगा। और आपको, आप चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं, सभी भाइयों का धन्यवाद। और किसी भाई को कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, और किसी भाई का इसमें एक्सपीरियंस अच्छा हो तो हमें भी अपनी वीडियो भेज सकता है, हम डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे देंगे और उसमें उस पर भेज सकता है, और हम उस वीडियो को सभी भाइयों के साथ शेयर करेंगे, ताकि जो भी भाइयों को किसी को भी कोई भी मुश्किल आ रही है उसी की वो सहायता कर सके। और अपना चैनल है, सभी का चैनल है, सभी से इसको ऐसे ही प्यार करते रहें। चैनल सभी जिसने अभी पहले बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप पहले इतना प्यार दे रहे हैं, और अपना नेक्स्ट टारगेट होगा 1,00,000 सब्सक्राइबर का, वो आप देखते हैं कब इसको पूरा करते हैं। और अभी थोड़े टाइम वीडियो, तो आप वीडियो शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको भी, आप भी ट्रॉली 500 केजी वजन खींच पाती है या नहीं खींच पाती, आपको दिखाएंगे सब कुछ। जो पहले वीडियो में बताया गया है आपको, उसके आगे वीडियो शुरू कर रहे हैं, और आपको ये वीडियो में दिख रहा है 10 कट्टे पड़े हुए हैं, ये गेहूं के कट्टे हैं, और इसको हम अब ट्रॉली में डालेंगे, एक एक कट्टा उसमें लोड करेंगे, आपको दिखाएंगे इसके बारे में। और नाले देख पाते हैं कि ट्रॉली जे 500 केजी वजन को खींच पाएगी या नहीं खींच पाएगी, और आप पूरी वीडियो ज़रूर देखें, और उसके पीछे आपके जो सवाल होते हैं उन कुछ सवालों के जवाब दिए गए हैं, और वीडियो को पूरा देखें, और आपने जो कमेंट होते हैं वो कमेंट कीजिए, उसके जवाब देने की वीडियो में कोशिश करेंगे। और वीडियो को स्किप मत कीजिए। आपको आपके सामने हम उसको गेहूं को लोड कर रहे हैं, हमने इसको लोड कर, हमने लोड कर दिया 10 कट्टा है, और केला केला हम लोड कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, देखते हैं ट्रॉली में जब लोड हो गया आपको चलती हुई ट्रॉली भी दिखाएंगे, और आगे फुल की वीडियो है वो भी दिखाएंगे, आप बने रहें। देखो दोस्तों, आगे पुल है और हम धीरे धीरे जा रहे हैं, और देखो ये ट्रॉली ऊपर चढ़ पाएगी कि नहीं चढ़ पाएगी। एक क्विंटल मेरे में है, और मेरे साथ मोहन है, और मेरी परछाई में आप मुझको भी देख सकते हैं और उसको भी देख सकते हैं। और देखो सामने पुल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, आराम से चल रही है रेडी, कोई दिक्कत नहीं आई, नहीं जो कभी मोटरसाइकिलों में परेशानी आती है, चढ़ाई में दिक्कत करते हैं, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से हमने पुल पार कर दिया, और देखो कोई ऐसी कोई परेशानी नहीं आई, देखो आराम से जा रहे हैं मेरी परछाई में, आप मुझे एक बार फिर देख सकते हैं, मैं देख सकते हैं, और मैं मुझ में भी वजन है, और मोहन भाई में भी आराम से मोटरसाइकिल चल रहा है, कोई परेशानी और कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं ताही आप सभी भाइयों को कहता हूँ कि अच्छा मोटरसाइकिल होना चाहिए और ट्रॉली अच्छी होनी चाहिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों कई लोग पूछते हैं कि रेडी का काम कैसा चलता है और कैसा रहता है। देखो दोस्तों, ये हमने पहले पर के ले गए थे, आप फिर वापस जा रहे हैं और पर के ही वापस जा रहे हैं, इसमें रे और मक्की है सुजानता की, और वो सामान है। देखो मैं, कई लोग पूछते हैं ना कैसा काम है कैसा नहीं है, उस सवाल का आंसर आपको मिल जाएगा। पहले भी भर के लेके जा रहे थे, अब भी भर के लेके जा रहे हैं, काम तो करने वाला चाहिए दोस्तों, काम तो करने के लिए करने वाला चाहिए, काम तो बहुत है। देखो ये अपने 5 क्विंटल इसमें वजन था, 2 क्विंटल हमारा वजन था, 7 क्विंटल वजन आराम से खींचता है मोटरसाइकिल, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, रास्ते में कितनी ऊंचाइयाँ कितनी चढ़ाइयाँ आई हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आई, आराम से खींचता चला गया वो। वैसे बात करता हूँ मैं कि काम तो बहुत अच्छा है,
वो तो आपके डिपेंड करता है। आप करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत काम है, ये आप नहीं करना चाहते तो नहीं है। इसलिए काम तो आप पे डिपेंड करता है, काम तो इसमें काम तो अच्छा चलता है। देखो दोस्तों, इस रेडियो को कम से कम 10 साल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई इसने ब्रेक डाउन नहीं दी, इसका समय पर थोड़ा मोटा जो काम होता चला गया और बढ़िया अभी तक बढ़िया चल रही है। अभी बस दोस्तों हम करते हैं वीडियो बंद, फिर मिलेंगे किसी नवी वीडियो के साथ। आपको पता चल गया होगा अभी इसमें खींचने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, जितना मर्जी माल आप इसमें डाल लो तो कम से कम इसमें बीच बीच में होना चाहिए माल, बाहर किसी को परेशानी ना आए। देखो इसमें बीच बीच में माल है ना, बाहर किसी को परेशानी ना आए, ऐसा मत कीजिए। बीच बीच में माल रखिए और किसी को परेशानी भी नहीं आएगी और जो लोग आने जाने वाले उसको भी कोई परेशानी नहीं होगी। देख लो दोस्तों, एक दोस्त का सवाल था भी इसकी डबल चैन कौन सी होती है। डबल चैन एक तो ये वाली हो गया, ठीक है, एक आगे इसके आगे जो दूसरी गलहरी है वो वाली हो गया, जिसके वो नहीं है जो इसके पीछे ही डबल चैन हो वो वाली नहीं। मैं इसे डबल चैन बोला था, इसको ये पिछली एक वाली होगी और ये दूसरी होगी, एक वो वाली होगी जो सीधी आगे गरारी में जा रही है और ये दो गरारी लगी हुई है और ये इधर आ रही है इंजन को, ये दो दूसरी ये बोला था। कई दोस्तों का यह सवाल था कि इसमें डबल चैन किसको बोला था, इसको बोला था। आपको समझा आ गया होगा, नाले आपको जवाब भी मिल गया होगा। इसी के साथ अब वीडियो करते हैं बंद। ये किसी का फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो भेज देना, कोशिश करेंगे बताने की। और वीडियो और भी धीरे धीरे डालते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। सभी भाइयों का धन्यवाद, मिलेंगे किसी और नवी वीडियो के साथ।